हेलो बच्चों, कैसे हो? माई सेल्फ दीपक भोला, टीम फिजिक्स CLC सीकर। तो बेटा, मिड सेशन DTS में आपका स्वागत है। इसमें अपन आज थर्ड पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपने पेपर दिया है, ठीक है। जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन एंड SHM, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन चलो अपन डिस्कस करते हैं इस पेपर के। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी। सेंटर ऑफ मास बॉडी, आप पता है, ये बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि बॉडी की सरफेस पे लाई करे या बॉडी के मटेरियल में लाई करे, बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है बेटा, इसका आंसर फोर्थ, ठीक है, बॉडी के इनसाइड या आउटसाइड कहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा काफी अच्छा क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड आपसे कहा गया इसमें कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ शेयर्ड पोर्शन ऑफ द डिस्क इज, ठीक है, जो शेयर्ड पोर्शन है इसका हमें सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हमें फाइंड करनी क्या होगी। देखिए, यहाँ बच्चों ये डिस्क है, डिस्क का अपन जानते हैं मास उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, मास इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है, एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसकी जो रेडियस है r/4 है, इसकी रेडियस r/4 है, यूं कह दें कि अगर इसकी रेडियस एक्स है तो इसकी रेडियस 4x है, कितने टाइम्स है, चार गुना है इसकी रेडियस, ठीक है। तो इसका मास अगर एम है, ठीक है, इसका मास अगर एम अपन ले लें, जो डिस्क हमने यहाँ पे रिमूव की है, तो टोटल कंप्लीट डिस्क का मास क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स, ठीक है, 16 गुना, ठीक है, जिसमें से हमने इस एम को रिमूव कर दिया, जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो शेष भाग है, ठीक है, इसका जो मास है वो कितना होगा, 15 m। सपोज जो रिमेनिंग जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, इसका मास 15 m का जो सेंटर ऑफ मास है यहां पर इस जगह, ये इसका सेंटर ऑफ मास है 15 m, ठीक है। ये तो अपन देख लिया, जो रिमूव किया डिस्क, इसका मास m, इधर वाले का 15 m। अब बच्चों यहां पे ये डिस्टेंस सपोज x से डिस्टेंस x, ठीक है, जो हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस x की वैल्यू, और ये जो इधर से डिस्टेंस आपको देख रही है ये कितनी होगी, ये जो पूरी डिस्टेंस है r में से हम r/4 माइनस कर दें, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको माइनस कर दें r/4, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, 3r/4, ये डिस्टेंस आएगी 3r/4। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, m1r1 = m2r2, क्योंकि कंप्लीट सेंटर ऑफ मास, मतलब इस जो रिमूव पोर्शन को यहां पे वापस सेट कर दें तो एक साबुत डिस्क बन जाएगी, कंप्लीट डिस्क। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई कर रहा है, नेट इस जगह, ये नेट सेंटर ऑफ मास इस जगह। तो यहां पे m1r1 = m2r2 करें, तो m1r1 = m2r2, तो m1 15 m, ठीक है, इसका r1 कितना बच्चों, x, ठीक है, m2 यहां पे m, ठीक है, एंड जो इसका r2 है, ठीक है, r2 कितना यहां पे 3r/4 ये रख दिया मैंने, 3r/4, ठीक है, 3r/4। तो यहां से आप देखिए आराम सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 से 15 5 टाइम्स कट जाएगा, m से m भी गया, ठीक है। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो गया, r/20, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया, ये r/20 टू द लेफ्ट ऑफ a पॉइंट के लेफ्ट साइड में r/20 मीटर डिस्टेंस, r/20 डिस्टेंस पर लाई कर रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, ठीक है। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पे टू पार्टिकल्स ऑफ मास 1 kg एंड 0.5 kg आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ठीक है, इनकी स्पीड गिवन है आपको, ये आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम आपको पता है क्या होता है बेटा, m1v1 + m2v2 / m1 + m2, ओके, ये अप्लाई कर दें, तो m1 यहाँ पे 1 kg है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी रखी 2 प्लस m2 यहाँ पे जो कि 0.5 है, इनटू v2 जो कि 6 है, डिवाइड बाय m1 + m2 मींस 1 + 0.5, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर कितना हो गया 2 एंड 3 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, 2 एंड 3 5, और नीचे 1 + 0.5 मीन्स 1.5, दैट इज 3/2, तो 3/2 से क्या हो जाएगा 10/3, तो 10/3 कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये रहा क्वेश्चन फोर्थ, पार्टिकल ऑफ मास 4 m विच इज एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स, ठीक है, टोटल मास 4 m है, ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना एक्सप्लोजन इन बॉम्ब, ठीक है, कोई बॉम्ब विस्फोट होता है उसके कई सारे पार्ट्स ब्रेक हो जाता है, तो कैसे सॉल्व करते हैं उसको, मोमेंटम कंजर्वेशन से, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि ईच मास m r फाउंड टू मूव विद स्पीड v ईच इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन,
ठीक है, जो इक्वल मास है एक दूसरे के परपेंड मूव कर रहे हैं, द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन इज, ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड बॉडी है उसका मोमेंटम अपन देखें, थर्ड बॉडी का मोमेंटम होगा पी थ्री इज इक्वल टू रूट ऑफ पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पी वन पी टू जो टू पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के परपेंड मूव कर रहे हैं, तो थर्ड बॉडी जो है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, मतलब पी वन पी टू का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सिस्टम का नेट मोमेंटम है जीरो करना है, ओके तो यहां से मास कितना इसका 2m into v3, अब जो p1 p2 दोनों के मास mm है, ठीक है, उन दोनों के मास mm है एंड स्पीड v है, तो ये भी mv स्क्वायर, ये भी mv स्क्वायर, तो रूट टू टाइम्स ऑफ mv ये बन जाएगा, क्लियर, तो यहां से m कट गया तो v3 इज इक्वल टू हम निकालेंगे इधर डिवाइड कर दो तो v बाई रूट टू हो जाएगा, v बाई रूट टू v3 की वैल्यू, ठीक है, अब हमसे कह रहा है टोटल रिलीज्ड एनर्जी, तो हमने V3 निकाल लिया, अब टोटल रिलीज एनर्जी निकालनी है E टोटल, तो तीनों की एनर्जी हम ऐड कर देंगे, ठीक है, देखिए फर्स्ट पार्टिकल के लिए मतलब काइनेटिक एनर्जी का ऐड करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर वो लगा रहे हैं अपन, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले के लिए भी हाफ एम इंटू वी स्क्वायर प्लस थर्ड वाले के लिए हाफ, मास टू एम है, ओके मास टू एम है बट वेलोसिटी कितनी है v बाई रूट टू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, ठीक है, तो यहां से ये टू से टू कट जाएगा, तो ये हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ एम वी स्क्वायर, तीनों को ऐड कर दो कितना बन गया 3 बाई टू एम वी स्क्वायर, तो 3 बाई टू एम वी स्क्वायर मीन सेकेंड आंसर, ठीक है, तो ऐसे अपन इसको टिक कर सकते हैं, सेकेंड आंसर आ जाएगा, क्लियर, चलो अब देखिए यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन 5 आपसे क्या कह रहा है, बड़े इसको यहां पे आपसे कह रहा है कि 50 केजी बोट हैज इनिशियल स्पीड 10 एंड इट पासेस अंडर ए ब्रिज दैट इज एट दैट इंस्टेंट एंड 50 केजी मास जंप्स स्ट्रेट डाउन इनटू द बोट, मतलब जस्ट जैसे बोट ब्रिज के नीचे निकल रही है तभी ऊपर से एक आदमी इस पे गिर रहा है, ठीक है, तो उस केस में यहां पे इस बोट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई मोमेंटम इसको प्रोवाइड नहीं हो रहा, मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, ठीक है, तो यहां से अब देखिए आपसे कह रहा है कि इसकी स्पीड निकालनी आफ्टर जंपिंग ऑफ मेन, ठीक है, जब इस मेन गिर जाएगा तो उस टाइम उसके बाद इसकी नाव की नेट स्पीड क्या होगी अभी निकालनी है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं इसमें, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, ठीक है, किस समझो यहां पे इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में अपन इसको P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल कर रहे हैं इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, तो बेटा P इनिशियल, इनिशियल मास इनटू वेलोसिटी करें तो मास कितना है 500 एंड वेलोसिटी कितनी है 10, 500 इंटू 10, ठीक है, अब फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड में जब मेन इस पे जंप हो जाएगा तो इस सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया 550, कितना हो गया 550, 500 तो बोट का है 50 इस मेन का है तो 550, ठीक है, एंड स्पीड v, ठीक है, तो यहां से v फाइंड करना है तो एक जीरो से एक जीरो कट गई तो v इज इक्वल टू कितना बेटा 500 अपॉन 55, क्लियर, 500 अपॉन 55, यहां पे आप आराम से 5 से कैंसिल कर सकते हो तो 100 अपॉन 11, तो 100 अपॉन 11 कौन सा आंसर है फर्स्ट, 100 अपॉन 11 फर्स्ट ईयर का रिजल्ट हो जाएगा, क्लियर, चलो अब देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 आपसे कह रहा है अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम ए कैनन विद अ वेलोसिटी वी एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स इन टू पार्ट्स, ठीक है, इक्वल मासेस, दो इक्वल पार्ट्स की फॉर्म में ब्रेक हो रहा है और आपसे कह रहा है इसमें से एक पार्ट वापस अपने पाथ पे लौट गया है तो उस केस में सेकंड पार्ट की वेलोसिटी क्या होगी जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, देखिए क्या कह रहा है आप समझो क्वेश्चन को, यहां बच्चों आपने इस बॉडी को यहां से प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, यहां से अपने हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी है अपन जानते हैं, टॉप पॉइंट पर जो इसकी स्पीड होती है ये होती है यू कॉस थीटा, या वी की बात कर रहा है तो वी कॉस थीटा, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी वी कॉस थीटा होती है, ठीक है, मास इसका एम है, अब यहां पे आप कह रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पे टू पार्ट्स में ब्रेक हो गया, इस तरह से टू पार्ट्स की फॉर्म में ब्रेक हो गया है, ठीक है, अब एक पार्ट तो यहां से इधर लौट गया, ये तभी लौट सकता है बच्चों जब इसको स्पीड कितनी मिल रही हो अपोजिट डायरेक्शन में, सेम वही v cos थीटा, तभी ये वापस लौटेगा, ठीक है, मास m by 2, ये भी m by 2, ठीक है, इधर ये लौट रहा है, इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए माइनस v cos थीटा, वेलोसिटी की बात करें अपोजिट डायरेक्शन माइनस v cos थीटा, और हमसे ये वेलोसिटी पूछ रहा है, ये वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालनी है, इसको v डैश बोल देते हैं, चलो ठीक है, अब लगा दें बच्चों उस पे मोमेंटम कंजर्वेशन, तो मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल, ये अप्लाई कर रहे हैं तो p इनिशियल में यहां पे क्या बेटा देखो मास इनटू v cos थीटा,
एम इंटू वी कॉस थीटा, ठीक है। फाइनली यहां पे टू पार्ट्स ब्रेक हुआ है, इसको अपोजिट डायरेक्शन मोमेंटम कितना मिल रहा है, एम बाई टू इंटू माइनस वी कॉस थीटा, ओके। एंड सेकेंड पार्ट को कितना मिल रहा है, एम बाई टू इंटू वी डैश, एम बाई टू इंटू वी डैश। तो यहां से आप देखिए ये माइनस एम वी कॉस थीटा बाई टू है, इधर जाके एड होगा, थ्री बाई टू जाएगा, थ्री बाई टू एम वी कॉस थीटा, ठीक है। और इज इक्वल टू कितना बेटा है, एम बाई टू वी डैश, ओके, एम बाई टू वी डैश। तो यहां से आप देखें एम बाई टू से एम बाई टू कैंसिल कर दो, तो वी डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, थ्री वी कॉस थीटा। तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, थ्री वी कॉस थीटा से देखिए, यह आ जाएगा फर्स्ट, थ्री वी कॉस थीटा, ये अपन टिक कर सकते हैं, क्लियर। चलो आगे देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन आपसे बोल रहा है बुलेट ऑफ मास एम इज मूविंग वर्टिकल अपवर्ड। देखिए बुलेट यहां से वर्टिकल अपवर्ड मूव कर रही है और इसे स्ट्राइक कर रही है, क्लियर। और आपसे कह रहा है कि इसके अंदर ब्लॉक राइज आफ्टर कोलिजन, अज्यूम सफिशियंट स्पेस अबव ब्लॉक, क्लियर। आपसे बुलेट इसमें स्ट्राइक करके इसके अंदर एम्बेड हो गई है, ठीक है, मतलब इसके अंदर धस गई है और फिर दोनों एक साथ ऊपर मूव कर रहे हैं। तो यहां से हम बताना है कि ब्लॉक कितनी ऊपर हाइट तक जाएगा, तो जो देखो कोलिजन इसके अंदर धस गई है, तो कोलिजन कैसी है, परफेक्ट इनलास्टिक, पूर्ण अप्रत्याश टक्कर है, ठीक है, तो कंप्लीट परफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन है, तो इसमें धस जाएगी। तो यहां पे इसका मास कितना हो गया, 2m, मास 2m, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी u by 2 हो जाएगी वेलोसिटी, u by 2 मोमेंटम कंजर्वेशन अपन देखें, ठीक है, क्योंकि इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, m into u, तो बाद के अंदर भी m into u आना चाहिए, देखो मल्टीप्लाई करके m into u बनेगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है। तो मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखा इसकी नेट वेलोसिटी कितनी आ गई, u by 2, अभी ऊपर जा रहा है तो कितनी हाइट गेन करेगा ये हमें निकालना है। तो जो अपन जानते हैं यहाँ पे इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी कितनी है, यू बाई टू स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस टू जी एच, टू जी एच। तो यहां से एच निकाल लेंगे तो एच इज इक्वल टू क्या जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन एट जी, यू स्क्वायर अपॉन एट जी आ जाएगा, कौन सा आंसर है, यू स्क्वायर अपॉन एट जी थर्ड, तो थर्ड आंसर आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन एट जी, क्लियर। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। देखिए क्वेश्चन नंबर एट, बुलेट ऑफ मास एम 50 ग्राम स्ट्राइक्स एंड स्ट्राइक्स अ सैंड बैग ऑफ मास 5 केजी हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, एक सैंड बैग है लटक रहा है, इस पे आप क्या करेगा, 5 ग्राम की एक बुलेट है, 5 केजी इस बैग पर टकरा के धस जाती है इसमें, ठीक है। और यहां पे इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी भी दे रखी है बुलेट की, इफ बुलेट स्ट्राइक्स द सैंड बैग एंड देन रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट, ठीक है, ये निकालनी है हमें, रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी रेशो। तो देखो यहां पे पहले हम देखें फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि इसमें इनइलास्टिक कोलिजन हो रही है, बुलेट इसमें एम्बेड हो गई, दोनों साथ साथ मूव करेंगे, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं पहले, तो क्या लगाएं बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन, तो पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी करेंगे, तो मास कितना है 50 ग्राम इंटू वेलोसिटी कितनी है वी, ठीक है, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू फाइनली इसका टोटल जो मास बनेगा 5000 ग्राम, क्योंकि 5 केजी तो बैग है और 5000 ग्राम हो गया वो, प्लस 50 मतलब 5050 ग्राम इनटू वी डैश, ठीक है। तो यहां से वी डैश कितना जाएगा, यहां पे वी डैश इक्वल टू जाएगा 50 वी अपॉन 5050, ठीक है। तो अब ये 5050 को लगभग 5000 ही मान लो आप, तो लगभग 5000, नियरली 5000 है, तो हम कह सकते हैं नियरली ये कितना जाएगा बच्चों, ये 50V और नीचे 5000, तो V अपॉन कितना बनेगा, वो 50V है और नीचे 5000 है, 5 से 5 का एक जीरो गया, तो V अपॉन 100, V अपॉन 100 ये आ जाएगा रिजल्ट, नियरली V अपॉन 100, क्लियर। अब बच्चों यहां पे देखो, यहां से हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, V स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, तो न्यू वेलोसिटी कितनी हो गई है यहां पे, ये V इंटू 10 पावर माइनस 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे 10 पावर माइनस 2 का, तो 10 पावर माइनस 4 हो जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल का जो रेशियो आएगा 10 पावर माइनस 4 के करस्पॉन्डिंग अपन देख लेंगे, रेशियो ऑफ फाइनल एंड इनिशियल, सॉरी फाइनल एंड इनिशियल का रेशियो आएगा 10 पावर माइनस 4 बन जाएगा ये, ठीक है, तो आ जाएगा 10 पावर माइनस 4, ओके। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कह रहा है इन द अरेंजमेंट शोन पेंडुलम ऑफ लेफ्ट इज पुल्ड असाइड, ठीक है, एंड इट इज देन रिलीज, मतलब ये पेंडुलम बैठो इसको यहां से लेफ्ट साइड में लाके एच हाइट तक राइज करके छोड़ रहे हैं अपन, ठीक है,
यहाँ पे इसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ पे दो पेंडुलम है, दो पेंडुलम है ठीक है, इसको छोड़ रहे हैं तो यहाँ से इससे टकरा के आपसे कह रहा देखो और कह रहा है परफेक्टली इनलास्टिक कोलिजन हो रही इसमें, मतलब ये इससे टकरा के चिपक जाएगा और दोनों साथ साथ मूव करेंगे ऊपर, क्लियर। अब कह रहा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ पेंडुलम ये बताना है कि एच बाई टू हाइट तक, एच बाई फोर हाइट तक जा रहा है, यहाँ से टकराएगा दोनों अटैच हो जाएंगे फिर पूरा सिस्टम केवल एच बाई फोर हाइट तक ही जाएगा, तो हमें इनके मासेस का रेशियो फाइंड करना है क्या होगा। तो अच्छा देखो जब ये नीचे आएगा तो नीचे आने पर जब ये यहाँ पहुंचेगा इस तरह से तो यहाँ पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जिससे टकराएगा ये, मान लो वेलोसिटी यू है तो हम जानते हैं यू की वैल्यू क्या होगी, यू इज इक्वल टू रूट ऑफ टू जी एच, इक्वेशन ऑफ मोशन से अपन देखते हैं रूट ऑफ टू जी एच आएगा, क्लियर, रूट ऑफ टू जी एच ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी होगी, फिर दोनों यहाँ पे बच्चों अटैच हो जाएंगे ठीक है। अब इसकी जो वेलोसिटी गेन होगी वी, ये वेलोसिटी वी होगी, हमसे कह रहा कि इसने कितनी हाइट गेन करी, एच बाई फोर, यहां तक बच्चों ये आपसे कह रहा कि ये एच बाई फोर हाइट तक ही जा रहे हैं ठीक है, इनकी जो हाइट है ये एच बाई फोर हाइट की बने एच बाई फोर हाइट है, तो यहाँ पे इस वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो वी इज इक्वल टू, ये जो वी इज इक्वल टू आएगा, वी इज इक्वल टू वापस ये फॉर्मूला वी इज इक्वल टू रूट टू जी एच होता है, तो इस वी को रूट ऑफ टू जी एच के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे टू जी एच बाई फोर ठीक है। तो ये जो वेलोसिटी है v इज इक्वल टू रूट ऑफ टू जी एच बाई फोर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, रूट ऑफ जी एच, यहाँ पे देखो इसे कैंसिल करेंगे ये हो जाएगा रूट ऑफ, मतलब इसको बाई फोर को बाहर निकाल लो तो हाफ ऑफ रूट ऑफ टू जी एच, हाफ ऑफ रूट ऑफ टू जी एच, क्लियर। ये तो वेलोसिटी निकाली अपन ने, अब यहाँ पे हम देखें मोमेंटम कंजर्वेशन से, आप देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, जस्ट बिफोर कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन की बात करें, टक्कर से ठीक पहले टक्कर के ठीक बाद, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास इनटू वेलोसिटी मिस एम इनटू यू, टक्कर के ठीक बाद ठीक है, यहाँ पे मासेस की बात कर, अच्छा मासेस पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है तो एम वन इंटू यू, और टक्कर के जस्ट बाद क्या हो जाएगा बेटा, एम वन प्लस एम टू दोनों अटैच हो गए एक साथ और इन्होंने वेलोसिटी कितनी गेन कर ली, वी, तो रख दो यू की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ टू जी एच, रूट ऑफ टू जी एच ठीक है, एम वन प्लस एम टू, और ये वी आपने फाइंड किया, वी कितना है बच्चों, ये रहा हाफ ऑफ टू रूट टू जी एच ठीक है, हाफ ऑफ रूट ऑफ टू जी एच, तो यहां से ये रूट टू जी एच कैंसिल हो गया, ये जो टू है इस टू को मल्टीप्लाई कर दें कितना हो गया, ये टू एम वन इजक्वल टू एम वन प्लस एम टू ठीक है, इसको जला के सेपरेट करेंगे तो एम वन इजक्वल टू कितना आ गया, एम टू, मतलब दोनों मास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, दोनों मासेस सेम आ रहे हैं, इसका मतलब रेशो कितना है, वन, तो रेशो ऑफ मासेस ऑफ पेंडुलम इज वन, ये बन जाएगा रिजल्ट, क्लियर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अ सुपर बॉल इज टू बाउंस इलास्टिकली बैक एंड फोर्थ बिटवीन टू रिजिड वॉल्स ठीक है, एंड डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, मतलब आपसे कह रहा है इस तरह से टू वॉल्स है ये ठीक है, टू वॉल्स है, यहां से एक इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है डी, ये डिस्टेंस डी गिवन है, यहां से एक बॉल मास एम, वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको यहां पे वी नॉट, वेलोसिटी वी नॉट से मूव कर रही है, यहां बच्चों टकरा के ये वापस लौटती है यहां से, तो लौटेगी तो उसकी वेलोसिटी अपोजिट साइड में जाएगी, मतलब नेगेटिव हो जाएगी ठीक है, मतलब माइनस वी नॉट मास एम ठीक है। अब बच्चों यहां पे इसमें हमें निकालना है फोर्स, क्या पूछा है, फोर्स ऑन वॉल ठीक है, फोर्स ऑन वॉल, तो मतलब इसमें फोर्स एक्ट होगा, एवरेज फोर्स हमें निकालना है एफ, एफ इज इक्वल टू होता है डेल पी अपॉन डेल टी, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, संवेग में परिवर्तन बटा लगा समय ठीक है, ये अपन देख रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, यहां पे पहले एम वी नॉट था, अब माइनस एम वी नॉट हो गया, मिस क्या हो गया चेंज, माइनस टू एम वी नॉट, या मैग्नीट्यूड निकालने इसका परिमाण ले लें, मतलब टू एम वी नॉट, तो टू एम वी नॉट ये तो चेंज इन मोमेंटम हो गया डिवाइड बाय डेल्टा टी, तो देखिए अब यहां से टकराई बॉल इस जगह, अब यहां से इधर जाएगी फिर वापस यहां टकरा के वापस जाएगी, तो सेम वॉल से दोबारा टकराने में कितना टाइम लगेगा, जाएगी वापस आएगी किससे जा रही, वी स्पीड से, तो जाने और आने में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी इसने, 2d ठीक है, एंड स्पीड कितनी है इसकी, वी नॉट, तो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो 2d एंड स्पीड कितनी है, वी नॉट ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन डी, तो कौन सा ऑप्शन है, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन डी, ये आ जाएगा सेकंड, एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन डी, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अ स्फीयर ऑफ मास एम मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी हिट्स अनदर
another stationary sphere of the same mass. If E is a coefficient of restitution, then ratio of speed first sphere to second sphere, ये हमें find करना है. तो चलो यहाँ पे इसमें देखिए, एक तो लगाएंगे momentum conservation, क्योंकि mass m दे रखा है, constant velocity move कर रहा है. तो चलो momentum conservation लगाएं पहले. तो p initial is equal to p final. तो p initial is equal to p final से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे mass m into v, ठीक है, mass m into v plus zero के second वाली body rest में, ठीक है. अब चलो उसके बाद फिर आगे इसके अंदर m into v1 plus m into v2, ये क्या हुआ इनके न्यू मोमेंटम, क्लियर. ये तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, मास कैंसिल कर देंगे तो v is equal to v1 plus v2, ये इक्वेशन आ गई फर्स्ट. अब सेकंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, e into u1 minus u2. सेकंड इक्वेशन बनाते हैं किससे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन से, e into u1 minus u2 मतलब v minus 0 is equal to v2 minus v1, v2 minus v1, ठीक है. ये इक्वेशन नंबर सेकंड. अब बेटा इनको दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन e इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 plus v2 अपॉन v2 minus v1, ठीक है. अब यहां पे लगा दें कंपाउंडो एंड डिवेंडो, मींस यहां पे मतलब योग अंतर अनुपात लगाते हैं, योग तथा अंतर का अनुपात जिसे बोलते हैं कंपाउंडो डिवेंडो. जैसे यहां पे क्या बन जाएगा, ये मतलब ये जो बेटा ये न्यूमरेटर एंड जो डिनोमिनेटर है इनका सम एंड डिफरेंस का रेशियो निकाल रहे हैं, अंश और हर का योग व अंतर का अनुपात निकाल रहे हैं. तो 1 plus e upon 1 minus e is equal to, ऐसे यहां करेंगे तो v1 plus v2 plus v2 minus v1 upon v1 plus v2 minus v2 minus v1, ठीक है, इसका निकाल रहे हैं अपन. तो क्या जाएगा यहां से, देखिए v यहां पे क्या कट जाएगा, v1 कट गया, क्लियर. यहां क्या कट जाएगा, v2, ये v2 कट गया, तो ऊपर क्या आ गया 2v2, नीचे क्या आ गया 2v1, मतलब v2 upon v1. तो v2 upon v1 निकाला अपन ने, 1 plus e upon 1 minus e आ रहा है, ठीक है. तो हमसे ये पूछ रहा है, तो यहां पे रेशियो ऑफ स्पीड पूछा गया, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर टू स्पीड सेकंड स्क्वायर आफ्टर कोलिजन विल बी, ठीक है. तो v2 upon v1 ये रेशियो बना 1 plus e upon 1 minus e, ठीक. तो ठीक है बच्चों, बट यहां पे पूछा क्या गया ये देखें आप, यहां पे हमसे पूछा गया है रेशियो फर्स्ट टू सेकंड मतलब v1 upon v2. तो v1 upon v2 देखेंगे, तो यहां से v1 upon v2 निकालेंगे, तो v1 upon v2 क्या जाएगा बेटा, इसका उल्टा कर दो, 1 minus e upon 1 plus e, तो कौन सा आंसर आ गया, ये फर्स्ट, ठीक है, 1 minus e upon 1 plus e, ये बन जाएगा इसका रिजल्ट. चलो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12, विच इज करेक्ट इफ ओ इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. अब यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहे हैं, टॉर्क के बारे में बताना आपको. देखिए यहाँ पे जो F1 फोर्स है ये R1 डिस्टेंस पे लग रहा है, जो कि इसको किधर घुमाएगा, इस तरह से, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है. तो यहाँ से जो टॉर्क F1 की यहाँ पे फर्स्ट जो टॉर्क लग रहा है, जो टॉनेट निकालेंगे अपन, देखो टॉनेट निकालेंगे तो टॉनेट वैक्टर इज इक्वल टू टो वन वैक्टर प्लस टो टू वैक्टर प्लस टो थ्री वैक्टर, इन तीनों का वैक्टर एडिशन करना है हमें. तो पहले टो वन वैक्टर देखें, फर्स्ट वाले का एफ वन दिख रहा है, ये कितना जाएगा आर वन इंटू एफ वन, ठीक है, आर वन इंटू एफ वन. बट बच्चों ये जो एफ टू है, ये वाला एफ वन है, कोई दूसरा एक और एफ वन है, हम टो टू बोल रहे हैं इसका फोर्स, इस फोर्स का टॉर्क जो है, ठीक है, इसको अपन टो टू कह रहे हैं, टॉर्क बाय दिस एफ वन, ठीक है. तो इसका कंपाउंड करेंगे, इधर कंपाउंड कितना है बड़ा, इस तरफ ये आएगा एफ वन कॉस थीटा, एफ वन कॉस थीटा जो कि इस आर वन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है. तो यहां से इस आर वन के परपेंडिकुलर एफ वन कॉस थीटा है, लेकिन ये इसको उल्टी डायरेक्शन घुमाना चाहता है, तो माइनस ऑफ ये जाएगा आर वन एफ वन कॉस थीटा, ठीक है. उसके बाद फिर ये एफ टू ये इसको घुमाना चाहता है वापस क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव आ जाएगा प्लस एफ टू आर टू प्लस एफ टू आर टू. तो कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ठीक है. ये टॉनेट आपको मिलेगा एफ वन आर वन प्लस एफ टू आर टू माइनस एफ वन आर वन कॉस थीटा, ठीक है. चलो अब देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. देखिए क्वेश्चन नंबर 13, समझे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है भी. देखिए यहाँ पे व्हील इज एट रेस्ट, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एंड बिकम्स 80 रेडियन पर सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, ठीक है. तो आपसे कह रहा है द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज, तो पहले यहां पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से इसका अल्फा निकालें. देखिए अल्फा इज इक्वल टू
कैसे निकालते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी करके, ठीक है। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 तो कितना हो गया 80, ठीक है। तो 80 माइनस 0 अपॉन 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, क्लियर। तो ये आ गया इनिशियल 16 हो गया इसका ओमेगा, मतलब इसका जो एक्सलेशन है एंगुलर एक्सलेशन 16 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब हमसे बोला टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसके लिए अप्लाई करते हैं बच्चों कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या निकालनी है, फाइनल स्पीड, मतलब क्या लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं ओमेगा 2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, ये अप्लाई कर रहे हैं। तो ओमेगा 2 स्क्वायर मिस 80 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 2 अल्फा 16 इंटू थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, ये 80 स्क्वायर मिस 80 इंटू 80 अपॉन ये जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर लो क्या बन जाएगा, ये 200 रेडियन, क्लियर। यहाँ से निकाल लेंगे अपन तो आ जाएगा 200 रेडियन, क्लियर। चलो अब आगे देखें इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन 14, तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आपसे द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, काफी अच्छा क्वेश्चन, ध्यान दें बच्चों अभी, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर इज सेम एज इट्स वेट एट हाइट एच अबव द पोल, मींस आपसे कह रहा है वेट, वेट का था मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आपको इफेक्टिव ग्रेविटी के बारे में बात कर रहा है एक तरह से, तो ग्रेविटी इक्वेटर में जो ग्रेविटी है बच्चों मिस जी ई, इसके लिए क्या है आपसे कह रहा है ग्रेविटी एट हाइट एच ऑन पोल, ठीक है, पोल पे एच हाइट के इक्वल ग्रेविटी की वैल्यू दोनों सेम दे रखी है, क्योंकि ग्रेविटी सेम है तो ही तो वेट सेम होगा। अब जो इक्वेटर पे जब ग्रेविटी होती है हम जानते हैं जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होती है, ये पता ही आपको, एंड एच हाइट पर, एच हाइट पर जैसे अपन ऊपर जाते आते हैं ग्रेविटी कम होती जाती है, ठीक है। तो एच हाइट पर ग्रेविटी है ये होती है जी माइनस जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो जो यहाँ से हमसे पूछा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ एच, एच निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से एच कैलकुलेट करना है तो क्या जाएगा रिजल्ट, ये जी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी माइनस टू जी एच अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ से तो जी कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू क्या आ गया ये 2 जी एच अपॉन आर, ठीक है। तो क्या निकालना है, एच निकालना है, तो यहां से एच फाइंड करेंगे तो एच इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 जी, कौन सा ऑप्शन है ये आ गया ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया थर्ड ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 जी, ऐसे अपन फाइंड कर लेंगे, क्लियर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 15, सैटेलाइट ए एंड बी आर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर एंड फोर आर रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर एरियल वेलोसिटी इज, एरियल वेलोसिटी, ठीक है, एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दो बच्चों, एरियल वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है आर वी बाई टू, आर वी बाई टू, ठीक है, मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू द आर इंटू वी, ठीक है। अब आर इंटू वी, वी इज इक्वल टू वी क्या पे ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बच्चों, क्या होता है फॉर्मूला रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, मीन्स इट इज प्रोपोर्शनल टू दी वन अपॉन रूट आर, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट आर होता है, ठीक है। तो यहां से इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर हो जाएगा, तो यहां से एरियल वेलोसिटी रूट ऑफ आर के अकॉर्डिंग है। तो यहां पे देखिए यहां पे रेशियो आपको आर एंड फोर आर गिवन है, ऑर्बिटल रेडियस आर एंड फोर आर, तो इनका रेशियो 1/4 है, उसका रूट कर देंगे तो क्या जाएगा 1/2, ठीक है, 1/4 का रूट 1/2, तो ये आंसर अपन टिक कर देंगे क्वेश्चन 15 का फर्स्ट, ठीक है। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज सेम एज डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ देन, तो चलो देखो आपसे क्या कह रहा है, दोनों जगह ग्रेविटी सेम है, मतलब जी डी इज इक्वल टू जी एच, जी डी की वैल्यू बताइए जी वन माइनस क्या होता है डी अपॉन आर, ठीक है, एंड जी एच की वैल्यू क्या होती है जी वन माइनस टू एच अपॉन आर, ठीक है। तो यहां से हम कंपेयर करें तो डी जी वह जी भी यहां भी है वन भी है आर भी है, तो डी इज इक्वल टू कितना है टू एच, टू एच, एच हमें कितना गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, एच की वैल्यू गिवन है 1 किलोमीटर, एच की वैल्यू 1 किलोमीटर गिवन है, तो यार 1 रख देंगे तो कितना जाएगा ये 2 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना गया आंसर, डी इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो अब आगे देखें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17, टू एस्ट्रोनॉट्स आर फ्लोटिंग इन ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग लॉस्ट कॉन्टेक्ट विच देयर स्पेसशिप द टू विल,
तो चो ठीक है, एक तरह से स्पेसशिप से इनका कॉन्टेक्ट लॉस हो गया है, लेकिन इनका आपस में एक दूसरे पे क्या लग गया, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों एस्ट्रोनॉट हैं, इनका भी कुछ मास है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो क्या आएगा, की फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, नहीं, क्या आएगा, ये दोनों एक दूसरे की ओर आएंगे, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे की ओर गति करेंगे, मूव टूवर्ड्स ईच अदर, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, ठीक है, यह आ जाएगा रिजल्ट। चलो अब आगे देखें इसके अंदर 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18 में आपसे कह रहा है द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ग्रेविटी जी विद डिस्टेंस डी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज बेस्ट रिप्रेजेंट बाय, ये तो खैर पता ही है बच्चों आपको, अंदर लीनियर रिलेशन होता है और बाहर जो रिलेशन है जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² के अकॉर्डिंग होता है, तो क्या जाएगा फोर्थ, ठीक है, वाला इससे ग्राफ वेरी करेगा, ये आखिर टच नहीं करेगा, थोड़ा सा यूं समझ सकते हैं ग्राफ इस तरह से आएगा ये, ठीक है, तो इससे ग्राफ बनता है, क्लियर। चलो अब देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज द सरफेस ऑफ अर्थ, इट्स टाइम पीरियड इज, तो जो अर्थ की सरफेस के वेरी क्लोज अगर कोई सैटेलाइट रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो अर्थ की रेडियस की इक्वल होगी, सॉरी अर्थ की जो रेडियस है ग्लोब रेडियस है उसके इक्वल होगी, ठीक है, तो यहां से जो इसकी वी है, वी इज इक्वल टू क्या बनेगा, रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, ठीक है। अब आपको टाइम निकालना है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो कितनी है 2πr, एंड स्पीड कितनी है बच्चों, यहां पे रूट ऑफ जी एम अपॉन आर, क्लियर। तो यहां से इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से यह बन जाता है 84.6 मिनट, 84.6 मिनट के इक्वल यह आता है रिजल्ट, ठीक है, तो यह आ जाएगा फर्स्ट, इसका आंसर आएगा 19 का, क्लियर। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपसे कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स F1 ऑन पार्टिकल ड्यू टू दिस रॉड, ठीक है। अब चलो आप इसमें देखिए, यहां पे इसमें ये एक लार्ज बॉडी है और एक पार्टिकल है, तो डायरेक्ट तो हम इस पे जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर लगा नहीं सकते, क्योंकि ये फॉर्मूला केवल टू पॉइंट्स मासेस के लिए वैलिड होता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा एलिमेंट लेंगे, छोटा सा अल्पांश लेंगे यहाँ पे एलिमेंट डीएम, ठीक है, तो पहले इस एलिमेंट की वजह से इस पर निकालेंगे फोर्स डीएफ, ठीक है, हमें ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है, पहले इसका निकालेंगे डीएफ ड्यू टू दिस एलिमेंट, इसकी लेंथ कितनी है डीएक्स, लेंथ डीएक्स, एंड यहां से ये इसकी डिस्टेंस एक्स है, ठीक है, तो बेटा पहले इसके लिए निकाले अपन ड्यू टू एलिमेंट डीएफ इज इक्वल टू, इस एलिमेंट की वजह से अल्पांश के कारण इस पर लगने वाला बल निकाले, फोर्स निकाले, डीएफ इज इक्वल टू क्या होता है जी डीएम इंटू एम अपॉन डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे डीएम को रख देंगे, डीएम मतलब इसका एलिमेंट का मास, ठीक है, लेंथ इसकी डीएक्स है, एल लेंथ का मास कितना है एम, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा एम बाई एल, उसको डीएक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, एम बाई एल इंटू डीएक्स कर देंगे, तो इस डीएक्स लेंथ का मास आ जाएगा, ठीक है, आई से में एम बाई एल इंटू डीएक्स। अब यहां से इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लो, तो एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है, ये वैल्यू है, इंटीग्रेशन कर देंगे इसका और लिमिट का लगाएंगे, देखो एक्स, एक्स जो वेरिएबल है, इस एक्स की मिनिमम लिमिट क्या होगी डी, एंड मैक्सिमम लिमिट क्या होगी डी प्लस एल, तो डी से डी प्लस एल तक इसकी लिमिट लगा दो, ठीक है, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो डी से डी प्लस एल तक इसका आंसर सेकेंड आ जाएगा, जी एम एम अपॉन डी इंटू एल प्लस डी, ठीक है, तो ये अपन सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्लियर। चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट मास एम इज वी इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन आर, फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। तो देखिए ये तो वैसे खैर वेल नोन वैल्यू है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी अपॉन आर होता है जानते ही है, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड उसी करस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू क्या होती है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, मैग्नीट्यूड अपन देखते हैं जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो जी अपॉन आर स्क्वायर को फॉलो कर रहा है मैग्नीट्यूड को, तो आएगा आंसर ये फोर्थ माइनस जी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ऐसे अपन डायरेक्ट सोच सकते हैं, क्लियर। या आप इसको यूं भी सोच सकते थे ई इज इक्वल टू आपने पढ़ा है पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला विभव प्रवणता, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, तो वहां से हम ऐसे भी निकालते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर के अकॉर्डिंग भी सोच सकते हैं इसको, ठीक है। चलो अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, यहां बच्चों इसमें ये वी वर्सेज एक्स ग्राफ गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि इसका ई वर्सेज एक्स ग्राफ क्या होगा, तो चो यहां पे देखो हम जानते हैं वी इज इक्वल टू, देखो ई इज इक्वल टू क्या होता है माइनस
डीवी अपॉन डीएक्स, ठीक है, मीन्स माइनस इंटू स्लोप, स्लोप से निकाल लेंगे। तो देखो पहला यहां पे पहले स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है एंड कॉन्स्टेंट है, पॉजिटिव स्लोप, बट आगे नेगेटिव लगा हुआ है तो इसके अंदर शुरू से जीरो से फोर तक के लिए वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, कॉन्स्टेंट नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद फिर स्लोप जीरो है तो वैल्यू आएगी जीरो, फिर यहां पे स्लोप नेगेटिव है, इस जगह स्लोप नेगेटिव है बट आगे माइनस लग रहा है तो आएगी वैल्यू प्लस। तो देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें पहले वैल्यू तो आ रही है प्लस आ रही है, सॉरी पहले माइनस आ रही है फिर जीरो आ रही है फिर प्लस आ रही है, तो कौन सा ऑप्शन है ये, फोर्थ, ठीक है, पहले माइनस फिर जीरो फिर प्लस, आगे समझ में, क्योंकि आपने देख रहे हैं e इज इक्वल टू माइनस इनटू स्लोप, पहले यहां पे इस जगह स्लोप पॉजिटिव था बट आगे माइनस की वजह से नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसलिए ये आंसर मैच कर जाएगा, क्लियर। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23 देखते हैं। आपसे कह रहा है आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड ऑफ इक्वल टू 1/3 द मैग्नीट्यूड ऑफ s कैप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, सैटेलाइट की स्पीड गिवन है, क्या कह रहा है आपसे, v सैटेलाइट, v इज इक्वल टू 1/3 ऑफ v s कैप, ऐसा बोला गया, ठीक है। फ्रॉम द अर्थ डिटरमाइन द हाइट ऑफ सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस, इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, तो चलो v इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट ऑफ जी अपॉन आर, तो रूट ऑफ जी एम अपॉन डिस्टेंस मतलब फ्रॉम सेंटर, तो क्या हो जाएगा आर प्लस एच हो जाएगा, सेंटर से डिस्टेंस आर प्लस एच इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। एस कैप वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, रूट ऑफ 2gm अपॉन कैपिटल आर, एस कैप वेलोसिटी, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो यहां से जी एम अपॉन आर प्लस एच इज इक्वल टू ये 2/9 जी एम अपॉन आर, ठीक है, जीएम से जीएम कट गया, ओके। तो यहां से इन्वर्स कर देंगे तो यहां पे r प्लस एच इज इक्वल टू कितना आ गया ये 9r/2, तो यहां से h इज इक्वल टू उसको उधर जाके माइनस कर देंगे तो 7r/2 हो जाएगा, 7r/2, तो 7r/2 मतलब कौन सा, सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, ओके। चलो अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन 24 में आपसे कह रहा है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द ग्रेविटेशनल फील्ड इज गिवन बाय माइनस के अपॉन आर, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और आपसे यहाँ पे कह रहा है कि इसकी r इक्वल टू r नॉट पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, v नॉट है, मतलब आपको एक तरह रेफरेंस कंडीशन दे रखी है। देन व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो बेटा वो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं e इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन dr होता है, e इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन dr, तो यहां से अगर निकालें तो dv इज इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस e dr, दोनों तरफ कर देंगे इंटीग्रेशन, लिमिट लगा देंगे, इसकी लिमिट कितनी है v नॉट, कब r नॉट पर, फिर डिस्टेंस r पे आपको निकालना है v, क्लियर। तो यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v dv का इंटीग्रेशन तो v, और ये हो जाएगा v माइनस v नॉट, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देंगे, dv का इंटीग्रेशन v हो गया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दी, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू माइनस, अब जो यहां पे देखिए e, e कितना रखा है, e की वैल्यू गिवन है माइनस k बाई r, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, k 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन log r, 1 अपॉन r का इंटीग्रेशन log r हो गया, ठीक है, एंड लिमिट आपको दे रखी है r नॉट टू r, तो यहां से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे log r माइनस log r नॉट, ठीक है, तो यहां से log r माइनस log r नॉट, तो यहां पे log a माइनस log b, log a अपॉन b फॉर्म बन जाएगी, और यहां पे v नॉट को भी इधर ले आओ तो v नॉट प्लस k log ऑफ r अपॉन r नॉट, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहां पे v प्लस नॉट प्लस k log r अपॉन r नॉट, यह आ जाएगा रिजल्ट थर्ड, k log r अपॉन r नॉट, ठीक है, ऐसे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब देखें क्वेश्चन नंबर 25, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखें इसके अंदर आपसे कह रहा है मासेस ऑफ सन वर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्ज इन मैग्नीट्यूड देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, मींस कौन सा रॉन्ग है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चो देखिए ग्रेविटी की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एम मास ऑफ अर्थ है एंड आर इज रेडियस ऑफ अर्थ, तो चो यहाँ पे आपसे कह रहा है कैपिटल जी को आपने 10 टाइम्स कर दिया है तो इसका मतलब ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, ग्रेविटी यहाँ पे क्या जाएगी इंक्रीज, क्योंकि आपने कैपिटल जी को इंक्रीज कर दिया है, एम तो यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, तो सन के मास से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, क्लियर।
अब अच्छा आप देखो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पे क्या फर्क पड़ेगा, हम जानते हैं टी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट जी होता है, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ग्रेविटी इंक्रीज हुई है, टी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड में कह रहा है कि जी इज नॉट बी चेंज, तो ये गलत हो गया, सेकेंड जी तो चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर थर्ड भी चलो देख रहे हैं, वॉकिंग ऑन ग्राउंड वुड बी मोर डिफिकल्ट, तो बेटा ग्रेविटी इंक्रीज हो गई है, तो ग्रेविटी इंक्रीज हो गई तो वेट की जो वैल्यू है, वेट के लिए भी क्या हो बेटा इंक्रीज, वेट यहाँ पे क्या हो गया इंक्रीज हो गया, तो वेट इंक्रीज हो गया चलना मुश्किल हो जाएगा, सही बात है। ठीक है, आप भारी हो जाओगे मोटे हो जाओगे कैसे चल पाओगे फिर, ठीक है सही बात है, वेट आपका इंक्रीज हो जाएगा तो इस केस में यहाँ पे मतलब आपका वेट बढ़ जाएगा, तो वेट बढ़ जाने से यहाँ पे हमें दिक्कत आएगी चलने में। क्लियर, तो आप ये कह रहा है रेन ड्रॉप विल फॉल फास्टर। ठीक है, तो बच्चों v इज इक्वल टू क्या होता है रूट टू जी एच, जब भी कोई रेन ऊपर से गिरेगी रूट टू जी एच। ठीक है, तो ग्रेविटी इंक्रीज हो गई है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे स्टेटमेंट सही है, बस सेकंड वाला रॉन्ग है। ठीक है, ये अपन देखा, चलो अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। पेंडुलम ऑफ ग्रैंडफादर क्लॉक टेक्स 1 सेकंड टू ऑसिलेट फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, मतलब आपसे कह रहा हूं यहां से इसको यहां तक पहुंचने में इस जाने में टाइम टेकन कितना गिवन है आपको 1 सेकंड। ठीक है, तो 1 सेकंड टाइम लग रहा है ये 1 सेकंड, और ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर देखिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। अब आपसे कह रहा है कि आप इसमें मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, तो आप जानते हैं बेटा वी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है ए ओमेगा, वी मैक्स इक्वल टू ए ओमेगा। तो यहाँ पे ए क्या होता है एम्पलीट्यूड, ये पूरी डिस्टेंस 10 है, तो यहां से यहां तक की हाफ डिस्टेंस जो होगी ये एम्पलीट्यूड को शो करेगी, एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो कितना है इसका हाफ कर दो कितना हो जाएगा 5, तो एम्पलीट्यूड तो 5 है, तो ये लो 5 रख दिया मैंने। क्लियर, अब ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। अब जो टी, तो यहां पे इधर जाने का टाइम 1 सेकंड है, वापस आने का टाइम भी 1 सेकंड, तो 1 साइकिल कंप्लीट करने में टाइम टेकन कितना हो गया 2 सेकंड, जाना 1 सेकंड, आना 1 सेकंड, तो टोटल 2 सेकंड। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया कितना आ जाएगा 5 पाई, तो 5 पाई कौन सा आंसर है सेकंड। ठीक है, ये अपन टिक कर सकते हैं। क्लियर, चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू टू इक्वल पीसेस सच दैट देयर लेंथ आर इन रेशियो 1:3। इनकी लेंथ 1:3 की फॉर्म में, मतलब अगर टोटल लेंथ मान लो एल थी, टोटल लेंथ एल है, तो उसको हमने कैसे ब्रेक कर दिया, एल बाई फोर एंड 3L/4 की फॉर्म में ब्रेक कर दिया अपन ने। ठीक है, L by 4 and 3L/4, तभी तो रेशो 1:3 बनेगा। देखो इनका अनुपात क्या बन रहा है, 1:3। अब चो तो आपसे क्या फोर्स ऑफ बिगर पीस का हमें निकालना है, मतलब इसके लिए निकालना है, इसका हमें के निकालना है। तो देखो जब भी हम किसी स्प्रिंग को कट करते हैं तो उसका के इंटू एल हमेशा क्या रहता है कॉन्स्टेंट, बिकॉज के इंटू के इज प्रोपोर्शनल टू 1/L होता है, के इंटू एल कॉन्स्टेंट। तो स्टार्टिंग में के एंड लेंथ एल है, बाद में इस पीस के बारे में देखें ये के टू एंड इसकी लेंथ कितनी है 3L/4, तो यहां से एल से एल काट दो, तो यहां से के टू इक्वल टू क्या हो गया 4K/3, ये जाएगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 4K/3, तो कौन सा आंसर आ गया फोर्थ, ये अपन टिक कर सकते हैं। ओके, चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28। सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल हैज एनर्जी ई एंड एम्पलीट्यूड ए, द एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम, देखिए अब जो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल पेंडुलम की जो एनर्जी होती है ई इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये अपन जानते ही है, तो यहां से एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी, देखो यहां पे एक तो एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहे हो लेंथ को, देखिए ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्लियर, आप जानते हो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी होता है टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड की जो लेंथ के साथ डिपेंडेंसी है टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल, क्यों, क्योंकि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल। ठीक है, एंड ओमेगा इज प्रोपोर्शनल टू दी टी, तो यहां से यह आ जाएगा इस ओमेगा स्क्वायर को हम लिख देंगे 1/T² और टी स्क्वायर को लिख देंगे एल, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर बटा एल। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन एल। अब यहां से देखिए फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है व्हेन लेंथ इज डबल, लेंथ को डबल कर देंगे, बट ए सेम रहे, लेंथ को डबल कर दोगे तो ई हाफ हो जाएगा। ओके,
और सेकंड में कह रहा है व्हेन एम्पलीट्यूड डबल करोगे तो एनर्जी 4 times से आएगी, तो आंसर क्या होगा 4th। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 ये देखिए कह रहा है इन द अरेंजमेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के हैज वैल्यू ऑफ 2 newton per meter, के की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे ये पूरी सिस्टम ऑक्सीलेट हो रहा है, इसका हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो बच्चों ऑक्सीलेट कौन कर रहा है, कंप्लीट वैल्यू, तो इसका जो एम नेट है, इसका एम नेट कितना है, यहाँ पे एम नेट दोनों का सम कर दोगे तो कितना है 3+1 मतलब 4 kilogram, तो एम नेट 4 kilogram है, तो इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट ऑफ एम नेट अपॉन के। ठीक है, तो के यहाँ पे कितना है, एम नेट रख दें, एम नेट अभी निकाला आपने कितना है यहाँ पे 4, के हमें गिवन है कितना गिवन है के 2 गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 times कट जाएगा तो 2√2 हो जाएगा, 2√2π, तो कोई है समय ये रहा 2√2π, थर्ड आंसर ऐसे निकाल लेंगे। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 30 ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है बॉडी मास एम इज अटैच बिटवीन 2 springs। ठीक है, और ये बच्चों ऑक्सीलेट हो रही है तो जो यहाँ पे हमें इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो जो यहाँ पे थीटा कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है, चाहे ये स्प्रिंग चाहे वर्टिकल होती चाहे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ऑक्सीलेट हो रहा, मतलब बॉडी जो स्प्रिंग पेंडुलम से कनेक्टेड है यहाँ पे ये वर्टिकल फॉर्म में हो चाहे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चाहे थीटा एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 springs हैं जो कि क्या बना रही है आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में के नेट क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या बन रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ से के नेट इज इक्वल टू जाएगा 2k, के नेट इज इक्वल टू 2k। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एम नेट अपॉन के नेट, तो यहाँ से तो क्या आंसर आ गया ये 2π, टी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन के नेट, के नेट कितना है यहाँ पे 2k है, तो के नेट को हमने 2k रख दिया, ये आ जाएगा रिजल्ट, क्योंकि बन रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, के की वैल्यू एड हो जाएगी 2k हो जाएगा। क्लियर, तो क्या जाएगा इसका आंसर 30 का 1st, आई बस में। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज बाय 21%। ठीक है, द परसेंटेज चेंज इन इट्स टाइम पीरियड, तो बच्चों टी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है रूट ऑफ एल, ठीक है टी प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एल, तो इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे यहाँ पे, या कह दें एल प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, एल इज प्रोपोर्शनल टू दी टी स्क्वायर, तो एल इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इनिशियल वैल्यू 100 मान के सोल्व कर लो। ठीक है, टाइम पीरियड में 21% चेंज हो रहा है, ठीक है लेंथ यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंथ इज इंक्रीज बाय 21%, लेंथ की वैल्यू इन 21% इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ से चलो टाइम पीरियड पूछा गया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकाल लेंगे इनिशियल वैल्यू क्या ले लेंगे 100, तो टी डैश अपॉन टी करोगे तो क्या जाएगा रूट ऑफ एल डैश अपॉन एल, इनिशियल वैल्यू 100 लेते हैं, चलो तो यहाँ से ये 100 ले ली मैंने, एल की भी इनिशियल वैल्यू 100 ले लो। ठीक है, अब यहाँ से एल डैश 21% इंक्रीज किया, कितना बन गया 121 हो जाएगा, रूट करेंगे तो 11/10, तो टी डैश इज इक्वल टू 1 0 से 1 0 कट गया, कितना गया 110। क्लियर, तो कितना इंक्रीज हुआ 10% इंक्रीज जाएगा, तो 10% इंक्रीज फर्स्ट। क्लियर 31, अब देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है हार्मोनिक ऑक्सीलेटर शोन, ठीक है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन निकालना है, तो देखो इसका वन साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट हो रहा है, 0.4 सेकंड में टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का इन्वर्स कर दो फ्रीक्वेंसी आएगी, ये क्या शो कर रहा है टाइम पीरियड को, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/T, तो 1/T करेंगे इसका इन्वर्स करेंगे 25 Hz, ये आ जाएगा इसका आंसर 25 Hz। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 फंक्शन साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिप्रेजेंट, तो चो जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर के फॉर्म में कोई फंक्शन होता है ये फंक्शन बच्चों केवल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, मीन्स ये एसएचएम को शो नहीं कर रहा होता, मतलब ओनली ऑक्सीलेशन मोशन कह सकते हैं या हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं, ये एसएचएम नहीं होता। अब इसकी आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है या इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसको बच्चों, साइन स्क्वायर फंक्शन को, स्क्वायर फंक्शन को एक सिंगल पावर की फॉर्म में चेंज कर लें, जैसे आप जानते हैं बच्चों यहाँ पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 minus 2 sin square theta। ठीक है, ये होता है, तो यहां से अगर मैं ये फाइंड करूं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो पहले इसको उधर ले आओ 2 sin square theta क्या हो जाएगा, ये 1 minus cos 2 theta। ठीक है, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos 2 theta, ये इस फॉर्म में आ गया। तो यहां से बच्चों इसमें देखिए
मतलब यहाँ पे जो थीटा है तो यहाँ क्या आ रहा है, टू थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी अगर अपन लेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ वन माइनस कॉस, यहाँ पे थीटा को ही ओमेगा टी लिख दें तो क्या जाएगा टू ओमेगा टी। अब यहाँ पे टी का जो मल्टीप्लायर है, टी का मल्टीप्लायर किसको शो करता है, ओमेगा नेट को, तो ओमेगा नेट यहाँ पे कितना बेटा, ओमेगा नेट मतलब टी का जो गुणनफल है टू ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा रख देंगे टू पाई अपॉन कैपिटल टी, टू पाई अपॉन कैपिटल टी रख दिया तो यहां से टू ओमेगा, तो टू से टू कट गया तो टी नेट कितना आ गया पाई अपॉन ओमेगा, तो पाई अपॉन ओमेगा कौन सा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा फोर्थ पाई अपॉन ओमेगा, क्लियर। चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 हमसे कह रहे हैं टू मासेस m1 m2 आर सस्पेंडेड टुगेदर बाय अ मासलेस स्प्रिंग कांस्टेंट के, व्हेन द मासेस आर इन इक्विलिब्रियम m1 रिमूव्ड द स्प्रिंग सिस्टम एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन। तो जैसे सोचो वहां पे ये m1 m2 दोनों इसको स्प्रिंग को नीचे खींच रहे हैं, क्लियर, दोनों के वेट की वजह से स्प्रिंग नीचे रखी है। अब जैसे m1 को हटाएंगे तो m2 का ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, बट m2 का जो एम्पलीट्यूड बनेगा, आयाम बनेगा, वो कितना होगा, इस m1 ने जो उसको नीचे एक्स्ट्रा खींच रखा था, ठीक है, इस m1 की वजह से जो एक्स्ट्रा पुलिंग हो रखी थी वही क्या बनेगा m2 का एम्पलीट्यूड, क्योंकि हमने m1 को डीअटैच किया है, हटाते से ही m2 ऑक्सीलेशन करने लग गया, तो देखिए m1 ने कितना एक्स्ट्रा खींच रखा था इसको, तो m1g इज इक्वल टू k इनटू l1, तो यहां से l1 कितना आ गया m1g अपॉन k, ठीक है, तो यहां पे वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ m इज इक्वल टू कर दिया अपन ने KL1 के इक्वल कर दिया, क्योंकि kx होता है, वेट इज इक्वल टू kx, तो यहां से L1 इज इक्वल टू m1g अपॉन k, तो कौन सा आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है, ऐसा अपन देखते हैं। चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में क्या कह रहा है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिस्टम इज इक्वल, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब किस पोजीशन दोनों इक्वल होती है ये पूछ रहे हैं आपसे, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, एंड काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, K/2 से K/2 कट गया, क्लियर, एक्स स्क्वायर को उठा के ले आएंगे तो 2x² इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू a/√2, तो कौन सा आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है, ये जाएगा। चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन 36 व्हाट विल बी फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग सिस्टम शोन इन द फिगर। अब जहां पे नेट स्प्रिंग कांस्टेंट हमें निकालना है, इसमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, देखिए अब यहां पे k1 k2 दोनों क्या बना रहे हैं आपस में पैरेलल, तो पैरेलल में क्या हो जाएगी वैल्यू उसकी k1 + k2, ठीक है, सॉरी दोनों की दोनों k1 है तो वैल्यू क्या जाएगी 2k1। अब ये 2k1 एंड k2 बनाएंगे आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की वजह से क्या लगाएंगे 1/k net इज इक्वल टू 1/2k1 + 1/k2, तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 1/2k1 + 1/k2, क्योंकि हमसे k net के लिए पूछी गई है k net, ठीक है, तो यहां से इसका इन्वर्स करके ये अपन निकालते हैं 36 का आंसर, क्लियर। तो देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा था इक्वेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज गिवन बाय दिस, वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो बड़ा x गिवन है, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू dx/dt करके, तो इसका dx/dt करेंगे तो dx/dt करने पे क्या जाएगा बच्चों, यहां पे ये जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें ओमेगा टी, वो आगे ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर आगे, तो हम जानते हैं साइन का डिफरेंशियल तो कॉस बन गया, ठीक है, बट अंदर जो टी का मल्टीप्लायर ओमेगा होता है वो बाहर एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे कितना है 10π, या मल्टीप्लाई करेंगे तो 20π तो ये हो गया, ठीक है 20π तो ये आ गया, और साइन का क्या हो गया कॉस 10π एंड 10π t प्लस π/6। अब बच्चों हमसे पूछा है वेलोसिटी 5 सेकंड में निकालनी है, तो वेलोसिटी आपको निकालनी है इस पे 5 सेकंड पे, तो फाइव पुट करेंगे तो ये कितना बन गया बेटा, ये तो 50π, ठीक है, मतलब 2π का इंटीग्रल मल्टीपल है 50π, क्यों हम जानते हैं 2π, 4π, 6π इनका मान तो घूम फिर के वापस वही 0 पे आ जाता है, तो एक्स्ट्रा एंगल कितना है पे π/6, तो cos π/6 को सोचना है, मतलब cos 30 डिग्री क्या होता है बेटा, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये 10√3 हो जाएगा, 10√3π, ठीक है, तो 10√3π कौन सा आंसर आ गया फोर्थ, ठीक है, ऐसे अपन टिक कर सकते हैं। चलो आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन 38 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है व्हाट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास एम फ्रॉम सरफेस ऑफ अ प्लेनेट ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r, मतलब हाइट आपको 2r गिवन है, वहां पे इसको आपको लॉन्च करना है। तो जो स्टार्टिंग में सैटेलाइट कहां पे था, अर्थ सरफेस पे, प्लेनेट की सरफेस पे था, मतलब रेस्ट कंडीशन में था, तो स्टार्टिंग में इसके पास एनर्जी केवल कौन सी थी, पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब हमने लॉन्च कर दिया तो रोटेट हो रहा है वो, ठीक है, सर्कुलर पाथ से रोटेट हो रहा है, ठीक है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। तो यहां से हमें चेंज इन एनर्जी देखनी है, वही यहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ठीक है, ई रिक्वायर्ड इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई, मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, माइनस जी एम एम अपॉन माइनस जी एम अपॉन टू आर ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट। तो हाइट इसकी 2r है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट की जाएगी 3 टाइम्स ऑफ r, ठीक है। फिर माइनस इनिशियल में तो उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस पर, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए ये तो हो गया 1, ये हो गया माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6 क्या बन जाएगा 5/6 जी एम एम अपॉन आर, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा 5/6, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, आई समझ में। चलो आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 टू पार्टिकल इक्वल मास गो अराउंड सर्कल ऑफ, ठीक है, मतलब चूंकि कह रहा आपसे कि टू पार्टिकल्स हैं, इस तरह से एक दूसरे के अट्रैक्शन की फॉर्म में दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इसमें दोनों पार्टिकल इस तरह मूव कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी है 2r, ये डिस्टेंस 2r है, क्लियर। अब चलो यहाँ पे इसमें जो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा वो यहाँ पे इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, उसी वजह से इसमें रोटेशन ऑप्टन होंगे हमें, ठीक है। रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वही एज ए सेंट्रीपिटल वर्क कर रहा है। मीन्स मास यहाँ पे आपको m दे रखे हैं, तो आप देखिए तो जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2r स्क्वायर, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यही हमें दे रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर रोटेशन एम वी स्क्वायर अपॉन r, ठीक है। तो यहां से देखो ये एक m से एक m कट जाएगा, एक r भी कट जाएगा, तो जी एम अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r, एक r काट दो, निकालना क्या बचा हमें, v निकालना है, तो v इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि रूट करेंगे तो 1/2 फॉर्म में जाएगा, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, ये थर्ड, ठीक है, 1/2 रूट ऑफ g अपॉन r, ये आंसर आ जाएगा इसका, क्लियर। चलो आगे देखें 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन 40 ये रहा आपसे कह रहा है बॉडी मतलब इससे रोटेट हो रही है टी टाइम बाद, आपने इसको इस तरह टी टाइम में आपने इसकी एक्सिस को हॉरिजॉन्टल कर दिया वर्टिकल से, ठीक है, तो आपने इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज कर दी। बच्चों पहले एंगुलर मोमेंटम था इस डायरेक्शन में जे वेक्टर, अब जे वेक्टर आपने कर दिया इस डायरेक्शन में जे वेक्टर, तो हम जानते हैं क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, हमें टॉर्क निकालना है, टॉ टॉ इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा जे अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम, आपने एंगल 90 से रोटेट कर दिया है, तो किसी में एंगल 90 से आपने रोटेट कर दिया है, तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, मीन रूट ऑफ जे वन स्क्वायर प्लस जे टू स्क्वायर, क्योंकि एंगल 90 हो गया तो रूट टू टाइम्स ऑफ जे हो जाएगा, रूट टू टाइम्स ऑफ जे बिकॉज एंगल 90 है, जे इज इक्वल टू क्या होता है आई ओमेगा, तो जे इज इक्वल टू आई ओमेगा पुट कर दो तो आंसर फोर्थ आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो अब आगे देखें क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन 41 ये रहा आपसे कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 2 kg लोकेटेड एट पोजीशन i कैप प्लस j कैप हैज वेलोसिटी दिस एंगुलर मोमेंटम अलोंग z एक्सिस इन दिस, ठीक है, यहां पे इन इस यूनिट के अंदर फाइंड करना है j, j इज इक्वल टू क्या था बेटा r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर मींस r वेक्टर क्रॉस mv वेक्टर, ठीक है, तो यहां से m v r क्रॉस v कर लेंगे यहां पे m into r क्रॉस v, बस कुछ नहीं करना, अभी यहाँ पे इसको वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका -8, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। चलो आगे देखें आगे इसमें क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन 42 में आपसे कह रहा है इस तरह से ये डिस्क रोटेट हो रही है, इसका हमें ओ के रेस्पेक्ट में टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो चलो देखो यहाँ पे जो डिस्क है ये लीनियर मोशन भी कर रही है एज वेल एज एंगुलर मोशन भी कर रही है, क्योंकि
इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो रहा है एज वेल एज रोटेशन मोशन भी हो रहा है बिकॉज ये रोलिंग कर रही है, ठीक है। तो इसमें जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, देखिए दोनों के सम के फॉर्म में निकालेंगे, ये इस लाइन को लॉन्ग, इसमें लीनियर मोशन है, ठीक है, जो कि ये डिस्टेंस आर के इक्वल होगी, क्लियर। तो यहां से बच्चों इसमें देखिए हमें टोटल जे निकालना है, जे नेट जे लीनियर मोशन प्लस जे एंगुलर मोशन, दोनों का इफेक्ट अपन निकालेंगे, ट्रांसलेशन मोशन एज वेल एज रोटेशन मोशन का इफेक्ट निकालना है। तो बेटा लीनियर मोशन की वजह से क्या यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है वी और ये हाइट कितनी है यहाँ पे सेंटर से इसकी आर, तो यहाँ पे जे इज इक्वल टू, देखो जे इज इक्वल टू का एम वी आर होता है, तो एक तो उसको लगा देंगे एम वी आर, ठीक है, एम वी आर लीनियर वाला, तो जे इक्वल टू एम वी आर, और जे एंगुलर, एंगुलर का होता है आई ओमेगा, तो आई ओमेगा कर दें आई ओमेगा, ठीक है। तो यहां से एम वी आर, तो यहाँ पे देखो वी को हम क्या रख देंगे ओमेगा आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। अब यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखें, तो डिस्क अपनी सेल्फ एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर रही है, तो डिस्क का सेल्फ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क ले एम आर स्क्वायर बाई टू, तो अप्लाई कर देंगे एम आर स्क्वायर बाई टू, ठीक है, इंटू ओमेगा आई से ही, तो क्या बन जाएगा ये हो गया एम ओमेगा आर स्क्वायर, यहाँ पे एम ओमेगा आर स्क्वायर बाई टू, तो वन प्लस वन बाई टू थ्री बाई टू जाएगा, थ्री बाई टू एम ओमेगा आर स्क्वायर, तो थ्री बाई टू एम ओमेगा आर स्क्वायर कौन सा आंसर आ गया थर्ड, ठीक है। तो ऐसा अपन देखते हैं इसको, चलो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर लाइज इन एक्स वाई प्लेन विद सेंटर ऑफ ओरिजिन, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस इज, देखिए यहां बच्चों कह रहा है इस तरह से एक डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है, यहां पे ये एक्स वाई प्लेन में रखी हुई है, यूनिफॉर्म डिस्क रेडियस आर लाइज इन एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एंड ये वाई, एक्स एंड वाई एक्सिस है, इसमें लाई कर रही है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एक्स इक्वल टू टू आर एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। अब जो एक्स इक्वल टू टू आर एंड वाई इज इक्वल टू जीरो कौन सी एक्स होगी, यहाँ पे ये वाली एक्सिस होगी, यहाँ पे इस जगह ये एक्सिस है, ठीक है, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू यहां से तक की डिस्टेंस दे रखी है टू आर, ये एक्स इक्वल टू टू आर है यहां से तक की डिस्टेंस, टू आर यहां तक की डिस्टेंस, ये 2r डिस्टेंस है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस y इज इक्वल टू d एंड z इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू d एंड z इज इक्वल टू 0 कुछ यहां पे होगा इस जगह, ये एक्सिस है इस तरह की, ये i2, ये डिस्टेंस यहां पे d है, ये डिस्टेंस d यहां पे लाई कर रही है। अब हमसे कह रहा है कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, i1 इज इक्वल टू i2 है, तो हमें यहां पे क्या फाइंड करना है, इस d की वैल्यू, i1 इज इक्वल टू i2, i1 इज इक्वल टू i2। अब यहाँ पे I1 फाइंड करें, तो देखिए I1 का हम यहाँ पे जो फाइंड करें I1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, IG प्लस MD स्क्वायर से, तो I1 के लिए IG कौन सी होगी, इसकी सेल्फ एक्सिस, जो कि डिस्क के लिए सेल्फ एक्सिस क्या होती है, MR स्क्वायर बाई 2, ठीक है, MR स्क्वायर बाई 2 प्लस MD स्क्वायर, तो M into 2R स्क्वायर इज इक्वल टू I2, I2 निकालेंगे तो I2 किसके पैरेलल, इसके पैरल I2 के पैरल बच्चों यहाँ पे जो उसकी डायमीटर एक्सिस है वो है, तो I2 के लिए IG प्लस MD स्क्वायर लगाएंगे, तो हमें डायमीटर एक्सिस रखनी पड़ेगी, MR स्क्वायर बाई 4, MR स्क्वायर बाई 4 प्लस MD स्क्वायर, ठीक है, ये अपन ने कर दिया। अब यहाँ पे इनको सेपरेट करेंगे, इसको इधर लाके सेपरेट करोगे तो उसके बाद माइनस करने पे MR स्क्वायर बाई 4 तो बचेगा, MR स्क्वायर बाई 4 प्लस ये कितना हो गया 4 MR स्क्वायर इज इक्वल टू MD स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 17 बाई 4, 17 बाई 4, ठीक है, तो यहाँ से 17 बाई 4 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर, तो यहाँ से एम कैंसिल कर दो, तो डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा रूट ऑफ 17 बाई 2, मिस सेकंड आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है, ये से सॉल्व कर लिया अपन ने। चलो क्वेश्चन नंबर 44 अपन देखें, क्वेश्चन 44, रिंग ऑफ मास एम रेडियस आर रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो यहां से हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखिए क्या करेंगे आप इसके अंदर बच्चों, यहां पे हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, अब आई रख दो, रिंग है, रिंग के लिए आई क्या होता है एम आर स्क्वायर होता है, हाफ एम आर स्क्वायर रख देंगे, एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो कौन सा आंसर आ गया सेकेंड, 0.5 एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसे निकाल लेंगे अपन, ठीक है। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 45, 45 में कह रहा है इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एंगल 30 डिग्री विद ओरिजेंटल सॉलिड स्फीयर रोलिंग डाउन, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन
तो यहां पे इसमें a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू, तो यहां पे देखो a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं रोलिंग मोशन कर रहा है कोई स्फीयर, तो उसका जो एक्सलेशन होता है a इज इक्वल टू g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां पे साइन थीटा की वैल्यू देखिए, g साइन 30 है, साइन 30 क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, और यहां पे फिर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर का के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या होता है 2 बाई 5, तो नीचे क्या हो जाएगा 7 बाई 5, ठीक है, तो यहां पे 7 बाई 5, 5 चल जाएगा ऊपर, तो 5 बाई 14, तो 5 बाई 14 जी कौन सा आंसर आ गया, ये फर्स्ट आंसर आएगा 5 जी बाई 14, ठीक है। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा हूं, स्टोन ऑफ मास एम टाइड स्प्रिंग लेंथ एल रोटेटिंग अलोंग सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड टॉर्क ऑन स्टोन इज, तो टॉर्क क्या लगेगा बच्चों, जीरो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेंशन फोर्स एक्ट होगा इस तरह से, यहाँ पे इस पे टेंशन फोर्स एक्ट होगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्ट होगा जो कि सेंटर से पास हो रहा है टेंशन फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए टॉर्क ऑन द स्टोन इज क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है रोटेशन एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो आएगा रिजल्ट। 47 अब यहाँ पे रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस विद अ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू दी अल्फा माइनस बीटा टी एट टाइम टी, तो चलो देखो यहाँ पे लीनियर रिलेशन दे रखा है इसका, मतलब इसको अपन ऐसे कंपेयर करें, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इनटू, या कहते हैं अल्फा डैश इनटू टी से अपन कंपेयर करें, ठीक है, जहाँ पे अल्फा डैश उसका एक्सलेशन है, तो यहाँ से देखिए इसमें ओमेगा नॉट तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा, एंड अल्फा डैश की क्या शो कर रही है माइनस ऑफ बीटा, ठीक है, ये अपन सोच सकते हैं। अब हमसे पूछा है यहाँ पे क्या निकालना है, एंगुलर एंगल थ्रू विच इट रोटेट्स बिफोर एंड इट्स कम टू रेस्ट इज, ठीक है, मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें, ठीक है, रेस्ट माने के लिए, तो जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस टू अल्फा डैश इंटू थीटा का यूज करेंगे, तो जीरो इज इक्वल टू ओमेगा नॉट कितना है अल्फा रख दो माइनस टू अल्फा डैश, तो चलो पहले इसको प्लस की फॉर्म में लगा दें, ठीक है, इक्वेशन तो प्लस की फॉर्म में होती है, अल्फा डैश क्या है बीटा एंड ये थीटा, तो यहां से थीटा कितना आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन टू बीटा, तो आंसर फर्स्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 48, देखिए क्वेश्चन 48 क्या कह रहा है आपसे, फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर प्लेस एट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ एल, ठीक है, इस तरह से यहां पे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, यहां पे इस जगह पार्टिकल्स साइड लेंथ एल गिवन है, इसकी साइड लेंथ एल गिवन है, आपसे कह रहा है कि इसकी जो रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, ठीक है, इसके सेंटर के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन हमें कैलकुलेट करना है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन हम कैसे निकालते हैं, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन एम के स्क्वायर को हम आई के इक्वल करते हैं, ठीक है। अब जो एम एम यहां पे क्या है, टोटल फोर पार्टिकल्स है, फोर एम मतलब एम क्या है टोटल मास ऑफ सिस्टम, अब आई, अब जो आई एवरी पार्टिकल की यहां से आप देखिए जो डिस्टेंस है, हम इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट, तो डिस्टेंस जो है कितनी हो जाएगी एल बाई रूट टू, क्योंकि जो उसका डायगोनल होगा इसका जो विकर्ण होगा टोटल वो रूट टू एल आएगा, उसका आधा कर देंगे एल बाई रूट टू, ठीक है। अब आई इज इक्वल टू फोर पार्टिकल्स घूम रहे हैं, तो फोर इंटू एम आर स्क्वायर, तो एम इंटू एल बाई रूट टू स्क्वायर, ठीक है, तो एम से एम गया, फोर से फोर गया, तो यहां से इसका रूट कर दो, के इज इक्वल टू क्या आ गया एल बाई रूट टू, के इज इक्वल टू एल बाई रूट टू, ये फर्स्ट आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, फोर रोड फ्रूज यूज टू फॉर्म ए स्क्वायर, देन विच ऑफ द करेक्ट रिलेशन फ्रॉम डायग्राम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो देखो यहाँ पे चारों के चारों मास पार्टिकल जो एक्सिस है सबकी सिमेट्रिसिटी बन रही है यहाँ पे, ठीक है, सबकी सिमेट्रिसिटी बन रही है, सिमेट्रिसिटी है, तो किसी का भी अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करोगे तो सबका सेम ही आएगा, जैसे आपने एक स्क्वायर की फॉर्म भी चेक करते हैं, तो चाहे स्क्वायर प्लेट हो, चाहे यहाँ पे स्क्वायर प्लेट होती, चाहे चार रोड दे रखी है, सिमेट्रिसिटी का गुण देखते हैं, तो एवरी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है, सभी का समान आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि एवरी कंडीशन यहाँ पे सेट बैठ रही है, ठीक है, सारे के सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, ठीक है, तो सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होंगे, तो कौन सा टिक करेंगे अपन, ऑल, ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, इसलिए क्या टिक करेंगे, ऑल। अभी बोला क्या, थर्ड टिक करेंगे, थर्ड तो ऐसे ही, सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, इसलिए जहां प्रेफरेंस को देंगे
ऑल को, क्योंकि ऑल ऑफ द ऑप्शन दे रखा है, इसे ऑल को अपन टिक करेंगे। ठीक है, चलो आगे देखें क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए क्वेश्चन 50 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे इससे रॉड है, ठीक है। अब इसका हमें इनिशियल एंगुलर एक्सलेशन फाइंड करना है, रोटेशन स्टार्ट करी हो, देखो यहाँ पे इसका वेट एम जी का लग गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है एम जी, और यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी इसकी एल वाई टू डिस्टेंस है ये। तो यहाँ पे इसके वेट की वजह से इस पर टॉर्क लग गया, टॉर्क कितना लगा बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू वैसे अपन जानते हैं आई अल्फा होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ, तो फोर्स कितना है एम जी, डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे एक्सिस से एल वाई टू आई, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वन एंड अबाउट 3/2, मतलब ये होता है ना ML² / 3, तो ये ML² / 3 रख देंगे ML² / 3, ठीक है इंटू अल्फा, अल्फा ही तो पूछा है आपसे, तो यहाँ से निकाल लो एम से तो एक एम कट गया, एक एल से एक एल कट गया, तो अल्फा इज इक्वल टू आएगा 3/2 टाइम्स ऑफ जी अपॉन एल, तो 3/2 टाइम्स ऑफ जी अपॉन एल कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा फोर्थ आंसर 3g/12, दिख ही रहा है 3g/12 ये आ जाएगा रिजल्ट, क्लियर। तो यहाँ पे इस तरह अपन ने ये कंप्लीट क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे सॉल्व किए, क्लियर। तो जो आशा करता हूँ कि पेपर आपका काफी अच्छा रहा होगा, ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है, इसी प्रकार से आप लगातार आगे मेहनत करते रहें। ओके, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।